एसपीडी ऑनलाइन स्टडी चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए, ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 1 हो चुके हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, एसपीडी ऑनलाइन स्टडी चैनल है, उस पर सर्च कीजिए और जाकर उसको प्लेलिस्ट में देखिए। सारे का प्लेलिस्ट बन चुका है, फिजिक्स का भी, इंग्लिश का भी और इंग्लिश टॉपिक का भी। डेली 5 सिनोनिम्स और 1 वर्ड भी होता है, मॉक टेस्ट भी हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 का। सबसे पहले एरर खोजना है, एरर फाइंड करना है कि इसमें एरर किस पार्ट में है। तो पहले देखते हैं, ऑनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। देखिए, इसमें है जो आपको एरर बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तो यहाँ पे देखिए कि जो थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स की जगह थाउजेंड होगा, TH OU SANDS थाउजेंड्स होगा। क्योंकि अगर थाउजेंड के पहले 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर आता है, जैसे 1, 2, 3, 4 1000, 3000, 4000, 5000, तो उसके साथ थाउजेंड में एस नहीं लगता। अगर थाउजेंड सिंगल है तो उसके साथ एस लगता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, आपका पार्ट सी पार्ट में आंसर एरर है। देखिए, 1000 निकला होगा तो 1000 TH OU SAND 1000। अगर 4000 लिखना हो तो FOUR 4 TH OU SAND 1000। थाउजेंड में एस नहीं लगेगा। अगर सिंगल में आता है तो आपका थाउजेंड में एस लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। इसमें देखिए आपको बताना है एरर किस पार्ट में है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर अपना खुद से दीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को ऑन कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका गलती कहाँ पर है। अगर आप सही किए हैं तो ठीक है, अगर गलती किए हैं तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए या याद कर लीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। देखिए, यहाँ पर एरर जो है वो बी पार्ट में है। अब बी पार्ट में इसलिए है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द के बाद जो प्रोनाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो यहाँ पर देखिए जो बुक है, यहाँ पर बुक ना होकर बुक्स होगा, सो इसका एरर बी पार्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, यू एज वेल एज ही हैव टू डू इट हिमसेल्फ। देखिए, यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। अब कैसे है, यहाँ पे यू एज वेल है, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो ही हैव, देखिए ही के साथ तो हैव नहीं आता है, हैव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट यहाँ पे हैव है क्योंकि यहाँ पे हैव सही है। अगर जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता है वो बी पार्ट में एरर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एरर बी पार्ट में नहीं है क्योंकि वो सोचेंगे ही के साथ तो हैज आता है तो यहाँ पे हैज होगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हिमसेल्फ है, यहाँ पे योरसेल्फ होगा। सो आंसर होगा आपका सी पार्ट में एरर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर इसमें जो भी चीज़ है, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड हो, इडियम फ्रेज, सारे 2 हैं। सो आप इसको आराम से मॉक टेस्ट दीजिए, जब एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करेगा। देखते हैं वन वर्ड में क्या बोल रहा है। स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ उसको क्या बोलते हैं, इगोइज्म। नेक्स्ट देखते हैं, टू रिसीव द पीपल एज गेस्ट एंड टू प्रोवाइड द फूड ETC। टू रिसीव द पीपल एज गेस्ट, किसी पीपल को गेस्ट की तरह रिसीव करना एंड प्रोवाइड द फूड, उसको फूड देना, उसको बोलते हैं होस्ट, HOST होस्ट। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या है, सबल, SUBTLE। सबल मीन्स होता है सूक्ष्म बुद्धि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंसीडियस, INSIDIOUS इंसीडियस। SHIELD शील्ड, शील्ड मीन्स होता है बचाना, तो इसका आंसर होगा, देखिए अब तो बता दिया हिंदी, प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना, सो आंसर ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, डिलीजेंट होता है कुशल या मेहनती, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स लेजी। कॉन्साइटेड, CONCEITED कॉन्साइटेड मीन्स होता है घमंडी, इसका हो जाजाएगा आपका एंटोनिम्स मोडेस्ट, MODEST मोडेस्ट। देखिए पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर खुद से देखिए कि आंसर टिक कीजिए कि आंसर, मन में सोचिए कि आंसर कौन सा होगा, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए और देखिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है, क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्रिपरेशन आपका अच्छा होना चाहिए। एडियम फ्रेज में देखते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का होता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का होगा ए सब्जेक्ट ऑफ क्वायर
यहाँ एक कॉज ऑफ क्वारल भी होता है या एक बोन ऑफ कंटेंशन भी होता है। इसका तीन चार होता है, सब्जेक्ट ऑफ क्वारल, तीनों का मीनिंग सेम ही निकलता है, ए सब्जेक्ट ऑफ क्वारल या कॉज ऑफ क्वारल, ए कॉज ऑफ QUARREL, कॉज ऑफ क्वारल ये भी हो जाएगा, ए सब्जेक्ट ऑफ क्वारल। सो इसका आंसर होगा ए। बाई हुक और क्रूक, बाई हुक और क्रूक मीन्स होता है मतलब किसी भी काम को किसी कीमत पे करना, बोलते हैं कोई बोलता है नहीं, कोई बोलता है कि मैं इस काम को किसी भी कीमत पे करेंगे। सो इसका आंसर होगा बी, बाय फेयर और फॉल्स मीन्स। देखिए इडियम फ्रेज तो आपको याद ही करने में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप उसका मीनिंग्स निकाल कर आंसर ठीक कर लेंगे, लेकिन जो इडियम्स है उसका कहावत है, कहावत में कहता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, सो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। नरेशन, नरेशन में देखिए आपका क्या बोल रहा है, आराम से टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें आप बताना है चारों में से नरेशन में इसको चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बोलते हैं इसको, इसको चेंज करना है कौन सा होगा। देखिए राम टोल रमन, राम टोल यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ए राम टोल रमन ही कूड स्पीक इंग्लिश, यू को चेंज किया, लेकिन देखिए यहाँ पे इसमें डैट नहीं है, तो इसका ए तो होगा नहीं क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर डैट का प्रयोग होता है, ए नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, राम टोल टू रमन डैट यू कुड स्पीक इंग्लिश, देखिए ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यू है यू को यू ही रहने दिया, यू को सेकंड पर्सन के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे तो वही होगा, जो कि इसमें गलत है, नहीं दिया है। सी देखते हैं, राम टोल रमन डैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, देखिए यहाँ पर यू को चेंज किया है रमन के अनुसार तो यहाँ पर ही होगा, और कैन को कुड में चेंज किया और स्पीक को स्पीक एक इंग्लिश, यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर करेक्ट है, क्योंकि राम इसको रूल के अनुसार बनाया जाए तो राम टोल्ड रमन डैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, यू को सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे रमन के अनुसार तो ही हो जाएगा, और बाकी आपका इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने पर डैट का प्रयोग होगा, ये भी सही है। थर्ड नंबर नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ही कैन किया है, कैन की जगह कुड होगा, सो आंसर आपका सी विल बी राइट। इसी तरह आप आराम से चारों ऑप्शन पढ़िएगा, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद देखिएगा इसमें कौन सा गलती है, उसको काट दीजिएगा, उसको बचेगा उसमें आप देखिएगा कौन सा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड आई वेंट टू पटना यस्टरडे, ही सेड आई वेंट टू पटना यस्टरडे, देखिए यहाँ पे देखिए ही सेड डैट ही हैड गोन पटना द डे बिफोर, ये देखिए। सेकंड देखिए, ही सेड डैट ही वाज वेंट टू पटना यस्टरडे, सी नंबर देखिए, ही सेड डैट आई हैड गोन टू पटना यस्टरडे, एंड डी नंबर देखिए, ही सेड डैट ही हैड वेंट टू पटना द डे बिफोर। देखिए यहाँ पे जो है ये वेंट, आई वेंट टू पटना यस्टरडे, ये पास्ट आपका इंडिफिनिट है, और जब इसको नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वाज वेयर तो होगा नहीं, हैड वाला होगा, हैड देखिए किस में है, ए में है, बी में है, और ए में है और सी में है और डी में है, तो देखिए यस्टरडे का होता है, अगर हम लोग यस्टरडे का चेंज करें तो यस्टरडे का द डे बिफोर होता है, तो द डे बिफोर किस में है, ए में है और डी में है। फिर हम लोग देखेंगे ही हैड गोन, अब देखेंगे पढ़ेंगे ए बी को पढ़ेंगे, जो जो उसमें हम लोग देखेंगे जो जो राइट है उसको, अब ए बी में हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा सही है, ही सेड डैट ही हैड गोन पटना द डे बिफोर, या सी नंबर देखते हैं, ही सेड डैट आई हैड गोन टू पटना यस्टरडे। नेक्स्ट डी नंबर तो हम लोग का होगा नहीं, ही सेड डैट ही हैड वेंट टू पटना द डे बिफोर, आपका आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका ए, ही सेड डैट ही हैड गोन पटना द डे बिफोर, सो आपका आंसर ए विल बी राइट होगा, आपका आंसर होगा, एक मिनट, आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, आपका आंसर होगा ए। देखिए यहाँ पर ही सेड डैट ही हैड गोन टू पटना होगा, यहाँ पर टू छूट गया है, यहाँ पे टू छूट गया है, सॉरी उसके लिए टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे टू होगा, ही हैड गोन टू पटना द डे बिफोर, क्योंकि यहाँ पर जो डी है ही सेड डैट ही हैड, अगर वेंट ना होता है, अगर यहाँ पे गोन होता तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए गोन है लेकिन यहाँ पे टू छूट गया था, सो ए विल बी राइट, इसको आप समझिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक में कभी कभी छूट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वॉइस है, सीता टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, सीता टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो इसको आपको बताना है, सीता टेक्स एवरी कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग,
तो देखिए सीता टेक्स ये क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब हम लोग बनाते हैं तो इज एम आर में बनाते हैं। तो इज एम आर में बनाएंगे तो देखिए या तो दो ए सही होगा या डी होगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं और ये होगा क्योंकि इज एम आर का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। द कॉफी इज टेकन बाई सीता एवरी मॉर्निंग, और ये है एक ये है कॉफी इज टुक बाई सीता एवरी मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे जो टेकन है कॉफी इज टेकन बाई सीता, ये टेकन जो अगर हम वॉइस को जब बनाते हैं वॉइस को चेंज करते हैं तो वहाँ पर भितरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है ए कॉफी इज टेकन बाई सीता एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर ए विल बी राइट। यहाँ पर कॉफी इज टुक होगा, यहाँ पे टुक इसलिए यहाँ पे भी टू है तो भी टू नहीं होगा, डी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। इसका बताना है आपको, वॉइस चेंज करना है। तो देखिए द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाई द पुलिस, आपका ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो देखिए आपको बता दें कि इसमें आंसर होगा ए, द पुलिस विल हैव बीन कॉट बाई द पुलिस, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाई द पुलिस, इसमें ये सही होगा। सेकंड क्यों नहीं सही होगा देखते हैं, द टेररिस्ट विल हैव कॉट बाई द पुलिस। देखिए विल हैव के बाद बीन यहाँ पे छूटा है, अगर विल हैव वॉइस को अगर हम बदलते हैं तो विल हैव के साथ बीन लगता है, तो यहाँ पे बीन लगेगा जो कि यहाँ पे ए नहीं होगा। सी नंबर देखिए, द टेररिस्ट वुड हैव, विल को वुड में चेंज किया है, यहाँ पे ये वॉइस है नरेशन नहीं है, वॉइस में विल को हमने नहीं चेंज करेंगे, विल को विल ही रहने देंगे, हैव को हैव ही रहने देंगे, विल हैव के बाद बीन लगेगा। सो आपका सी भी गलत है। और डी देखेंगे, द टेररिस्ट विल हैड बीन कॉट बाई द पुलिस, द टेररिस्ट विल हैव बीन, यहाँ पे देखिए विल हैड बीन कर दिया है, यहाँ पे हैड भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका आंसर ए वाला ही करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग कि चूज अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है वही है जो आपके एग्जाम में पूछता है, प्रीपोजिशन से हो या तीन चार वर्ड दे देगा उसमें से फिल करना है आपको, भरना है। तो ए पुलिस मैन रेस्क्यू द चाइल्ड डैश डेंजर, द पुलिस मैन रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर, यहाँ पे फ्रॉम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिज इन्फेटुएशन द डैश द गर्ल मेड हिम लेजी एंड आइडल, इन्फेटुएशन जो होता है मोह माया, इन हिज इन्फेटुएशन विथ उसका मोह माया ही द गर्ल मेड हिम उस लड़की को लेजी और सुस्त बना दिया था, हिज इन्फेटुएशन विथ होगा, इन्फेटुएशन के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है विथ। नथिंग कैन डैश माई ओपिनियन, देखिए ये चार वर्ड है, देखिए दो वर्ड तो ऐसे हैं कि सेम सेम है और ऐसे है और एसेंट है, यहाँ पे देखिए नथिंग कैन डैश माई ओपिनियन, अल्टर मीन्स होता है वेदी और ए अल्टर मीन्स होता है चेंज, तो नथिंग कैन चेंज माई ओपिनियन, सो आंसर बी विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपको स्पेल्ट वर्ड में आपको बताना है कि कौन सा स्पेल्ट वर्ड सही है, दो स्पेल्ट वर्ड है आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे इफ्लोरेंस, इफ्लोरेंस मीन्स होता है फलना या फूलना, ये आपका इफ्लोरेंस का आपका यहाँ पे जो वर्ड है वो सी सही है, इफ्लोरेंस मीन्स होता है फलना या फूलना, ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन सी, इफ्लोरेंस मीन्स होता है फलना या फूलना, देखिए ये आपका गलत है तीनों। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी, ए एन ए एल ओ जी वाई, एनर्जी मीन्स होता है समानता, देखो एनर्जी का ये तीनों गलती है और आपका इसका मतलब एनर्जी मीन्स होता है समानता। देखिए अब पी क्यू आर एस फॉर्म, जो पी क्यू आर एस फॉर्म है जंबल वर्ड्स भी बोलते हैं इसको, इसको आपको खुद से वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इसका सेंस निकाल कर यानी मीनिंग निकाल कर आप इसको बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। देखिए वेन हम इसका बता दें, इसका आंसर होगा सी, इसलिए होगा क्योंकि वेन वी पॉइंटेड आउट ऑफ ए मिस्टेक, देखिए पी के पास पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस इसलिए आएगा, पॉइंटेड के बाद प्रीपोजिशन आउट सुटेबल हो रहा है, तो वी पॉइंट वेन वी पॉइंटेड आउट ऑफ हिज मिस्टेक ही वॉज वेरी एंग्री एंड लेफ्ट द रूम इन अ हफ, सो आपका आंसर होगा सी। देखिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आराम से आप कर ले जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको ये पता चलेगा, क्योंकि इसका सेंस निकालना पड़ेगा और सेंस निकाल लीजिएगा आप आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पे कीवर्ड्स भी दिया रहता है कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन रहता है, जैसे यहाँ पे पॉइंटेड के साथ आउट आ गया, तो पॉइंटेड के साथ आउट हो गया तो आपको पता चल गया पी के बाद ए सी आएगा, अब वेन है वेन के बाद सब्जेक्ट ही आएगा वेन वी पॉइंटेड, तो आपका आंसर हो गया इसलिए सी। सब ऐसे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर आप आराम से इसको
कर सकते हैं। तो आपका वीडियो मॉक टेस्ट हुआ समाप्त। अब आप जाकर प्लेलिस्ट में अगर आप फिजिक्स का और इंग्लिश का फॉलो मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, सिनोनिम्स नहीं देखे हैं, तो उसे आप जाकर देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।